हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है जैनो सोनी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इसका विकेशन। फ्रेंड्स, आज हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में पाया होता है। सेकंड, ए न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम स्टेम, लीव्स, रूट्स और शूट्स। नया प्लांट स्टेम से ग्रो करता है, लीव से भी ग्रो हो सकता है, रूट से और शूट से भी ग्रो हो सकता है। फ्रेंड्स, रूट्स वो होता है जो प्लांट का वह पार्ट जो जमीन के अंदर होता है उसे रूट कहते हैं, और जो पार्ट प्लांट का जमीन या जमीन के ऊपर या हवा में होता है उसे हम शूट कहते हैं। थर्ड पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फर्स्ट, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, व्हेन प्लांट्स रिप्रोड्यूस विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जब प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं विथाउट बिना ह्यूमन बींग की हेल्प के, तब हम उसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे बाई लीव से, बाई पत्तियों द्वारा कैसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोड्यूस एडवेंटिशियस बड्स ऑन देयर मार्जिन, दस बड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट। कुछ पौधों की पत्तियाँ एडवेंटिशियस अचानक बड्स यानी कलियों को प्रोड्यूस करते हैं ऑन देयर मार्जिन, यानी कि अपने ऊपर या अपनी पत्तियों के ऊपर अचानक ही कलियों को प्रोड्यूस करने लगते हैं, और यह बड्स नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है। एग्जांपल, जैसे ब्रायोफिलम और कलंकी, तो इन दोनों में ये चीज़ें होती हैं। सेकंड, बाय स्टेम द्वारा कैसे होता है। इन मैनी प्लांट्स अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूस एरियल शूट्स एनुअली अंडर फेवरेबल कंडीशंस। मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स में जो ज़मीन के अंदर स्टेम होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एरियल शूट्स, यानी कि शूट्स मैंने अभी आपको बताया था, शूट्स वो होता है जो ज़मीन के ऊपर पाया जाता है, वो प्लांट का पार्ट उसे शूट कहते हैं। वो फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि अच्छे खासे कंडीशन में, वो प्रतिवर्ष वो स्टेम प्रोड्यूस करता है शूट्स को। एग्जांपल, जैसे पोटैटो, ओनियन और जिंजर। पोटैटो भी ज़मीन के अंदर होता है, वो अंडरग्राउंड स्टेम होगा जो शूट को प्रोड्यूस करेगा। ओनियन में भी ऐसा होता है और जिंजर में भी ऐसे ही होता है। थर्ड, बाय रूट्स। रूट्स प्रोड्यूस बड्स विच डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट्स। रूट्स भी बड्स यानी कि कलियों को प्रोड्यूस करते हैं जो विच डेवलप्स इनटू न्यू प्लांट, जो आगे चलकर न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, स्वीट पोटैटो यानी कि गंजी। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो होता है जब प्लांट्स ह्यूमन बींग्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। और इसमें कटिंग आता है, जैसे कटिंग के द्वारा हम प्रोपोगेशन करते हैं, जैसे रोज़, शुगर केन, पोटैटो और कैक्टस। फ्रेंड्स, रोज़ को हम कटिंग करके जैसे छांटते हैं, वैसे हम रोज़ को कटिंग करके और शुगर केन को कटिंग करके ऐसे हम प्रोपोगेशन करते हैं, और ये भी विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग से होता है। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कलम बांधना। एग्जाम्पल, मैंगो, एप्पल और लेमन। फ्रेंड्स, ग्राफ्टिंग उसे कहते हैं जैसे एक प्लांट से हम उसको एक तरफ से काट देंगे, फिर हम किसी और दूसरे प्लांट्स को उसमें ला के जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ, हम रस्सी ले सकते हैं या कोई कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको बांध कर फिर हम देखेंगे दोनों तरफ से अलग अलग प्लांट्स के फल, फ्रूट्स, ये सब उगने लगेंगे। लेयरिंग में एग्जांपल है जैस्मिन और हिबिस्कस। फ्रेंड्स, लेयरिंग उसे कहते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए जैस्मिन का पेड़ है और उसमें से हम उसके ब्रांच को उसको खींचेंगे, स्ट्रेच करके उसके ज़मीन तक लेके आएंगे, और उसके ब्रांच को हम ज़मीन में धंसा देंगे या गाड़ देंगे, फिर थोड़ा सा पार्ट उसके आगे वाला हम आगे मतलब बाहर की तरफ रखेंगे, फिर जो पार्ट नीचे ज़मीन के अंदर है उस पार्ट को हम उस पार्ट में बाद में देखेंगे, तो उसमें से रूट्स स्टार्ट हो जाएंगे ग्रो करना, और फिर कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद में वो एक न्यू प्लांट हो जाएगा पैरेंट प्लांट से अलग होकर। टिशू कल्चर या माइक्रो प्रोपोगेशन। एग्जाम्पल, जैसे ऑर्किड और क्रिसेंथेमम में टिशू कल्चर होता है। जैसे फ्रेंड्स, टिशू कल्चर उसे कहते हैं जो ये भी मैनमेड होता है। इसमें कुछ ऐसा होता है कि हम ऑर्किड या क्रिसेंथेमम का प्लांट, इन प्लांट के पार्ट को, कोई भी पार्ट हो, जैसे स्टेम, रूट या शूट, लीव्स, इनका कोई भी पार्ट, छोटे छोटे पार्ट्स को हम कटिंग कर लेंगे, और इसका जो टिशू, मतलब कि इसमें से जो भी छोटे छोटे पार्ट होंगे उनको एक कंटेनर या ट्यूब में जा कर रख देंगे,
और ये ऐसे कंटेनर होगा जिसमें सारे फेवरेबल कंडीशन मतलब सारी सुविधाएँ होगी, जैसे उसको जो भी प्लांट्स को जो भी चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो सारी चीज़ें में प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे ये ग्रो कर सके। फ्रेंड्स फिर बाद में ये एक प्लांट का रूप धर लेगा या फिर उस टाइप में बन जाएगा। तो ऐसे इस प्लांट को हम ग्रो करते हैं। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज क्या होते हैं? इट इज़ ए रैपिड चीप एंड ईजी मेथड ऑफ, यहाँ एक तेज सस्ता और ईजी सरल मेथड होता है ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट के मल्टीप्लीकेशन के लिए। डिजीज फ्री प्लांट कैन बी रिप्रोड्यूस, डिजीज से मुक्त प्लांट इसे रिप्रोड्यूस होते हैं। सुपीरियर क्वालिटी फ्रूट्स और फ्लावर्स कैन बी प्रोड्यूस बाई ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के द्वारा अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स और फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं। जनरली आइडेंटिकल प्लांट्स आर प्रोड्यूस, सामान्यतः एक जैसे प्लांट्स ही प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट्स रेज्ड बाई वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मोर देन दोज प्रोड्यूस्ड, प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो उनके पास फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं मोर देन दोज प्रोड्यूस, जितना वो प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्लांट होते हैं ग्रो करते हैं फ्लावर्स और फ्रूट। वायरस फ्री प्लांट्स आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा वायरस से मुक्त प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके थैंक यू गाइस, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे।